24, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है। डीएम तथा एसएसपी ने थाना नेधौली कला पिलुआ में सुनी जन समस्याएं। जनपद के प्रत्येक थाने पर शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती, एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से थाना नेधौली कला एवं पिलुआ में आयोजित थाना समाधान दिवस में प्रतिभा कर जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण किए जाने हेतु निर्देश दिए। डीएम एसएसपी ने इस दौरान सन्नू निवासी रामनगर थाना नेधौली कला, राजेश निवासी पुठिया, संतोष निवासी नगलवेल थाना पिलुआ द्वारा प्रस्तुत जन शिकायतों के निस्तारण हेतु मौजूद थाना प्रभारी को टीम बनाकर मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि, चक्रोट, ग्राम समाज आदि पर कब्जा नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कब्जा मिला तो संबंधित लेखपाल, पीठ सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम एसएसपी ने विकास खंड नेधौली कला क्षेत्र के धौलेश्वर मंडी में समिति में संचालित अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि गौशाला में कुल 172 पशु संरक्षित मिले। केयरटेकर संदीप, सिपाही राम, राजवीर, रिंकू को निर्देश दिए गए कि गौशाला पशुओं की देखभाल बेहतर ढंग से की जाए, गौशाला पशुओं हेतु हरे चारे का प्रबंध किया जाए। एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।